इन क्वेश्चन नंबर टू, इन अ फेस सेंटर्ड लैटिस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफर होगा उससे। फेस सेंटर्ड लैटिस ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर व्हाइल वाई एटम्स आर एट फेस सेंटर। देन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड देन, यहां पर छूट गया है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ वन ऑफ एक्स एटम, को यहां से क्वेश्चन डिफर होगा, वन ऑफ द एक्स एटम इज मिसिंग फ्रॉम अ कॉर्नर इन ईच यूनिट सेल। तो इसका हम सॉल्यूशन पर अगर हम बात करें तो एक्स कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, एक्स ऑक्यूपाइड कॉर्नर पोजीशन, तो बताओ इफेक्टिवली नंबर ऑफ एटम एक्स कितना हो जाएगा, 1/8 × 8 इक्वल टू 1। लेकिन क्वेश्चन ये कहता है कि वन ऑफ द एक्स एटम इज मिसिंग, एक एक्स एटम मिस है, तो यहां हम क्या करेंगे कि 1/8 × 7 ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 1/8 × 7। 7 क्यों, क्योंकि 8 कॉर्नर टोटल होते हैं, 1 कॉर्नर से x मिसिंग है, तो हम यहां का क्या लगाएंगे, 7, और हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 7/8। ओके, नाउ अगर हम बात करें y एटम की, तो y ऑक्यूपाइड फेस सेंटर, तो इफेक्टिवली ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स एटम वाई ये कितना हो जाएगा, कितना ऑक्यूपाई करता है, 1/2 ऑन टोटल नंबर ऑफ फेसेस 6, तो ये कितना हो जाएगा, 3। ये 3 मींस हमारा आंसर क्या आना चाहिए, एक्स 7/8 एंड वाई 3। वी कैन नॉट राइट इन द फ्रैक्शन, सो व्हाट वी हैव टू डू, मल्टीप्लाइड बाय 8 इन बोथ। तो मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ सच कंपाउंड इक्वल टू एक्स 7/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 एंड वाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 8। व्हाट वी गेट, 8 विल बी कैंसिल, एक्स 7y 24, ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके,